हाइट एंड डिस्टेंस में अपन वो पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, और फिर उसके बाद अपन वो जेई में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे एक सिचुएशन ये है, ये कुछ बातें नोट में है, आप इनको याद रखना। पहला पॉइंट है कि यदि इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि दो पॉइंट हमको दे रखे हैं, और ये समझ लो कोई भी टावर है या फिर पोल है, कोई भी हाउस है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट से देखने पर एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, और जब आप थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं पॉइंट बी की तरफ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। हाइट ऑफ द हाउस कुछ भी दिया, एक 60 डिग्री दिया है, अक्षत राम के एंटर कर रहे हैं, और दूसरा 30 डिग्री दिया है। मैं इनका कुछ नामकरण कर देता हूं, जैसे ए बी सी। तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर केस में यदि ये BC का लेंथ आपको X दे रखा है, इफ लेंथ ऑफ BC इज X, तो इस तरफ जाने पर, छोटे एंगल की तरफ जाने पर CD का लेंथ जो है वो इसका डबल आता है 2X। ये पहली सिचुएशन है। क्वेश्चन में यदि आप कुछ इस तरीके से इनको लर्न करेंगे तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेंगे क्वेश्चन में, इसको आप याद रखिएगा। एच आपका कोई भी हाइट दे सकते हैं, मतलब ये एच दे दिया, ये एक्स दे दिया, तो आप ये वाली लेंथ बता सकते हो, या फिर आपको ये दे दिया तो आप ये लेंथ बता सकते हो, ठीक है। 60 डिग्री 30 डिग्री, और इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट वेरीफाई नहीं होंगे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अभी। यदि ये लेंथ x है, और ये ध्यान में रखना छोटे एंगल की तरफ जाओगे, छोटे एंगल की तरफ आपने जाना है, तो फिर लेंथ जो है यदि BC आपका x है तो CD आपका उसका डबल हो जाएगा, 2x लेंथ हो जाएगा, ठीक है। एक आध रिजल्ट अपन देख लेते वेरीफाई करके, फिर आगे जो बता रहा हूं वो सब आप डायरेक्टली लर्न करने का। तो जैसे इफ यू हैव टू वेरीफाई दिस, तो सपोज इफ बी, सपोज ए बी का लेंथ मैं एच मान लेता हूं, तो एच अपॉन एक्स जो है आपका टेन 60√3 हो जाएगा, और उसके बाद एच अपॉन ये जो टोटल लेंथ है इसको अपन यदि वाई मान लेते हैं अभी, और बाद में चल के मैं फिर ये वाई को शो कर दूंगा कि वाई बराबर 2x, मैं वाई का लेंथ निकाल रहा हूं अभी। ये मैंने एक्स मान लिया, ये मैंने एच मान लिया, तो अब मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये जो y की लेंथ है ये 2x आती है, ये मैं शो कर रहा हूँ, तो इसको मैंने अभी y माना है। तो अब अपन जब ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो इसमें h अपॉन x प्लस y टेन 30 बोले तो 1√3 बनेगा, और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। h का वैल्यू अपन दोनों जगह से हटा देते हैं, तो आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड किया है, आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट x प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस x, सो दिस इंप्लाइज y बराबर 2x। ये अपना शो हो गया रिजल्ट, जो y का लेंथ आएगा वो 2x आता है, इसलिए ये अपन ने वेरीफाई कर दिया कि ये x लोगे छोटे एंगल की तरफ जाएंगे तो फिर वो 2x हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा जो पॉइंट है वो ऐसा है कि यदि मैं बिल्कुल सेम राइट एंगल ट्राइंगल फिर से कंसीडर करता हूं, सेम एंगल मैंने बनाए और ये एंगल मैंने 60 लिया अभी, और ये एंगल सपोज मैंने 45 लिया है, फिर से अपन ने वही नाम दे दिया ए बी सी और ये डी पॉइंट। अब यदि BC का लेंथ आप x लेते हो
तो ये जो सीडी का लेंथ है ये रूट थ्री माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स आता है, इसका रूट थ्री माइनस वन टाइम्स होता है। जब ये 60-30 था तब डबल आता है, इस लेंथ का डबल आता है ये। जब ये 60 और 45 था तब ये एक्स लोगे तो ये रूट थ्री माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स आता है। एंड तीसरी सिचुएशन ये है, बिल्कुल सेम फिर से मैंने बनाया, और ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस आप बना सकते हो, ए बी सी, और ये पॉइंट मैंने डी लिया। अब ये एंगल मैंने 45 रखा और ये एंगल मैंने 30 डिग्री रखा। उस केस में यदि ये लेंथ आप एक्स लेते हो बी सी, तो ये जो सी डी का लेंथ है ये रूट थ्री माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स आता है। मतलब सेकेंड और थर्ड केस ऑलमोस्ट सेम है। यदि ये दोनों एंगल का डिफरेंस 15 डिग्री है, 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो हमेशा यदि ये लेंथ आपकी एक्स होगी तो ये लेंथ आपकी रूट थ्री माइनस वन एक्स होगी। तो ये ओवरऑल कुछ आप इनको बिल्कुल इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। इसको आप वाई मान लेना और फिर आप बिल्कुल ऐसे अप्रोच करोगे तो ये वाई का लेंथ इतना आ जाएगा, सेम ही है दोनों सिचुएशन सेम। ठीक है, तो ये तीनों का एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ और बातें अपन यहाँ पर करते हैं। और मैं यहाँ पे एक सर्च कर रहा हूँ, शायद क्वेश्चन आपको जो है जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आपको इसी एक कंसेप्ट पे दिया है, मैं देखता हूँ यदि मिल जाता है तो। है एक क्वेश्चन, अपन पहले अब जो मैंने अभी आपको बताया उस पर बेस में एक क्वेश्चन आपके साथ ले रहा हूँ, आप करिएगा उसका आंसर। ठीक है, ये कंसेप्ट पर बेस्ड जो मैंने बताया, फिर ऐसे कुछ और रिजल्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेन्स 2016 का क्वेश्चन है। सर वो 60 मतलब 45-30 रहना चाहिए क्या? 30-45 रहा तो नहीं चलेगा? नहीं, मतलब ये क्या पलट पलट दोगे? एंगल्स को एक्सचेंज कर दिए तो 45 की जगह एंगल एक्सचेंज 30? नहीं हो, एंगल एक्सचेंज नहीं होगा ना बेटा, जो ज्यादा करीब है वो ज्यादा एंगल फॉर्म करेगा ना, दूर जाओगे तो एंगल कम होएगा ना, हाँ सर, सॉरी सॉरी। है ना। चलो जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है जो अब आप लिख रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। लिखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर, मैन वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर इन अ स्ट्रेट पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड। मैन वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर इन अ स्ट्रेट पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड, फुल स्टॉप, एट अ सर्टेन पॉइंट कैपिटल ए, एट ए सर्टेन पॉइंट कैपिटल ए ऑन द पाथ, सर्टेन पॉइंट कैपिटल ए ऑन द पाथ he observes the angle of elevation of top of the pillar is 60 degree, sorry 30 degree. He observes angle of elevation of top of the pillar is 30 degree. After walking for 10 minutes, 10 मिनट और चलता है फिर वो, तो after walking for 10 minutes from point A in the same direction at point B, after walking 10 minutes from A in the same direction at point capital B,
ही ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर बिकम 60 डिग्री एट पॉइंट बी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर सॉरी टॉप ऑफ पिलर बिकम 60 डिग्री देन टाइम टेकन इन मिनट्स बाय हिम देन टाइम टेकन in minutes by him from B to reach pillar B, B to reach the pillar, from point B to reach the pillar, point B से उसको pillar तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? समय समाप्ति की घोषणा. Very good, Arjun Pali. पकड़ गए तुम चीज को. रिपीट कीजिए. विवेक करेक्ट है. वेरी गुड. क्वेश्चन पूरा रिपीट करना है? हाँ सर. देखो मैं मोटा मोटा एक बता देता हूँ फिर भाषा आप समझ लो क्वेश्चन की. एक पिलर है ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से एंगल वो देख रहा है तो 30 डिग्री है और फिर वो 10 मिनट चला है और पॉइंट बी पे पहुंचा, ये पॉइंट बी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री. तो अब आपसे ये पूछा है कि ये पॉइंट बी से पिलर तक पहुंचने में उसको और कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन. समझ गया बेटा क्वेश्चन? ओके चलिए. ओके देखिए आप एकदम पकड़ लिए चीज को और बड़ बड़ आंसर मार दिए सभी ने. चलिए अर्जुन पाली करेक्ट हैं, विवेक करेक्ट हैं, वंश वाक करेक्ट हैं, प्रणव करेक्ट हैं, ऋषभ बोधे करेक्ट हैं, सूरज सिंह करेक्ट, विवेक करेक्ट, हिमांशु, अरे हिमांशु गलत हो गया, खुशी करेक्ट, दीपशिका तुम्हारा भी गलत हो गया, प्रतीक मालवीय करेक्ट, खुशी आपका भी गलत है, तन्मय रंगारी करेक्ट है. उल्टा कर दिए हो तुम लोग जिनका गलत हुआ है. डायग्राम देखो, मैं जो डायग्राम बनाया ना उन्होंने बस कुछ नहीं बोला, इसको ए बोला, इसको बी बोला और ये पिलर बोला, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. डायरेक्शन मतलब ये डायग्राम बनेगा. आयुष नकाड़े करेक्ट, अथर्वा करेक्ट है, दीपशिखा अभी करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट, आयुष पादवेकर करेक्ट, मयूर करेक्ट, संस्कृति इंग्लिश करेक्ट, सोच लिया था सर, सेजल पाटिल करेक्ट, सॉरी सेजल बेटा चेक करो गलत हो गया, ये कहां से निकाल ली तुमने, आर्यन पाटिल करेक्ट है, सॉरी अयान पाटिल नहीं आर्यन ही तो है, आर्यन पाटिल करेक्ट है. क्या बोले थे बेटा, कौन बोला अभी? उल्टा सोच लिया था सर. हाँ उल्टा सोच लिया, वही मैं बोला. अश्लेषा उतना ही थोड़ी लगेगा, अश्लेषा 10 मिनट तो पहले ही चल रहा है वो. अश्लेषा चेक करो योर आंसर रॉन्ग. चलिए तो ये कहीं कहीं छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्प कर देंगी. बिल्कुल सेम बात है. मानसी गलत हो गया, उल्टा सोच लिए तुमने. चलो मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूं, अपन ज्यादा नहीं रुक सकते. अरे दो बच्चे बाहर हो गए थे. नहीं अश्लेषा रॉन्ग है, मानसी करेक्ट हो गया अभी, अश्लेषा रॉन्ग है अभी भी. चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिया था कि दिस इज अवर पॉइंट ए, ये कोई स्ट्रेट पाथ है, यहां से मैन चलना शुरू हुआ है, यहां पर खड़ा हुआ है वो आदमी और यहां से चल रहा है और उसके बाद यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो 30 डिग्री है पिलर का हाइट और अब उसके बाद उसने 10 मिनट वॉकिंग किया, मतलब ये जो 2x है ये हमारा 10 मिनट है, मतलब 2x डिस्टेंस 10 मिनट में कवर की है. अब वो इस पॉइंट बी पे पहुंचा
तो अब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया, पिलर का हाइट हमारा सीडी हो गया। तो अब आपसे ये पूछा है कि ये बीसी बी पॉइंट से सी तक पहुंचने के लिए, पिलर तक पहुंचने के लिए इसको और कितना समय लगेगा। तो ये डिस्टेंस के टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि यदि यहां पर डिस्टेंस 2x है बी और ए के बीच में, तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस x होगी। तो यदि 2x डिस्टेंस कवर करने में उसको 10 मिनट का समय लग रहा है, तो x डिस्टेंस उससे आधी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा। तो करेक्ट आंसर इज 5 मिनट। जिन बच्चों का रॉन्ग हो गया है या किसी को अभी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप पूरा बाई मेथड भी जाओगे तो भी आप कर लोगे। सेजल पाटिल करेक्ट है, लास्ट आंसर सेजल पाटिल ने किया। अब आप देखिए अगली बात अपन नोट में यहां पर कर रहे हैं कोट। अब मैं सिचुएशन ऐसी ले लेता हूं कि आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं, या अपन ने क्वेश्चन किए थे कि टावर है, टावर पे एक पोल रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया और ये एंगल सपोज 60 डिग्री दिया, तो आपकी ये लेंथ यदि आप ए बी सी डी नाम दे देता हूं, तो यदि आप ए बी का लेंथ एक्स लेते हो तो सी डी का लेंथ 2x हो जाएगा। बिल्कुल सेम, ऊपर वाला डायग्राम देखो, नीचे वाला डायग्राम देखो, दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है, दोनों सिचुएशन सेम है। बस वहां पर क्या हो रहा था, दो डिफरेंट पॉइंट से हमने एक पॉइंट पर एंगल बनाया था, यहाँ एक फिक्स पॉइंट से दो जगह पर हमने एंगल बना रखा है। एक 60 डिग्री दिया है और एक 30 डिग्री दिया है एक्स टू एक्स, और आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। आप ये एंगल देखें तो ये जो देखो अभी ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यदि ये एंगल 60 डिग्री दिया है पूरा बड़ा वाला आप देखें, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, छोटे की तरफ डबल होता। ओ सॉरी, हाँ ये 2x है और ये x है, ऊपर तरफ जाए छोटे की तरफ डबल है, बिल्कुल सेम डायग्राम है। आप ये एंगल को छोड़ दें, इनसे मैंने ये वाले एंगल बना लिए। अब आप ये देखो कि यदि ये आपका 60 डिग्री है, ये वाला ये x डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2x। मतलब आप इस डायग्राम को रोटेट कर दें 90 डिग्री तो सेम डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो उसको उल्टा कर लीजिए, ये x है और ये 2x है। और अब ऐसी बाकी जो दो सिचुएशन मैंने आपको बताई उसमें भी ये फुलफिल्ड होता है, ठीक है। ये एंगल मैं अब हटा लेता हूं, याद रखने के लिए आपको बताया, आप भी ऐसे यूं याद रख सकते हो। सेम डायग्राम है, बस डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी। फिफ्थ केस ये है कि यदि आपने अब बिल्कुल सेम वही दो पॉइंट पर एंगल बनाए हैं एक गिवन पॉइंट से, ये आपका वो ए है, ये बी है, दिस इज पॉइंट सी 90 डिग्री एंगल, ये पॉइंट डी, और ये एंगल अब मैं 30 डिग्री लेता हूं। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो अब आप बता सकते हो कि यदि आप ये लेंथ को एक्स लेंगे तो ये जो ए बी का लेंथ आएगा ये इसका रूट 3-1 टाइम्स आएगा, बिल्कुल वैसे ही जो अभी आपने इसके ऊपर किया था। और एक लास्ट सिचुएशन है इसमें कि जब आप इस तरीके से फॉर्म करेंगे, थर्टी सिक्सटी 45-30 और अब अपन 45-60 ले लेते हैं। ये एंगल 45, 15 डिग्री का डिफरेंस, ये एंगल 60 डिग्री, ये ए बी सी डी, और इफ दिस लेंथ इज एक्स तो दिस लेंथ इज √3-1x। आप इनमें से कोई सा भी वेरीफाई करके देखें। और याद रखने का जो तरीका है, 15 डिग्री का यदि डिफरेंस रहेगा तो इस लेंथ का √3-1 टाइम्स होता है,
और 30-60 यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहे ऐसे तो फिर डबल हो जाता है, एक्स टू एक्स। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, पलट के लिखी हुई है, वो जो आपकी दूसरी सिचुएशन थी वही सिचुएशन को, पहले तीन केस बिल्कुल सेम और उन्हीं तीन केस को हमने इस तरीके से लिख दिया। ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन ट्राई किए हैं, अब आप जरा इस अप्रोच से उन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा तो आपको ध्यान में आएगा। नोट कर लें ऐसे। तब मैं आपको एक जेई का क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है, आप उसको ट्राई करिए, जरूरी नहीं है इस पर बेस्ड है, ओवरऑल आप कुछ भी लगा सकते हो थोड़ी, फिर मैं कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हियर वी टेक अनदर सम विच आस्क्ड इन जेईई का क्वेश्चन है ये, करिए आप देखें, बिल्कुल आप ही बना रहे हो, मैं कहीं भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने बनाया और जो आपने अभी तक क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी लेवल के हैं। मैं आपको पहले ही बोला 2017 का सम आप देखेंगे, अब ट्राई करिए इसको, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2017 जेई 2017। देखें क्वेश्चन, ए वर्टिकल टावर ए बी, वर्टिकल टावर आपको ए बी दिया है जैसा अभी तक अपन बनाते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही, वर्टिकल टावर ए बी, ये ए बी है आपको, वर्टिकल टावर ए बी हैज इट्स एंड कैपिटल ए ऑन द ग्राउंड, और उसका जो एंड है कैपिटल ए, ए बी का जो पॉइंट ए है वो ग्राउंड पे है। वर्टिकल टावर ए बी हैज इट्स एंड कैपिटल ए ऑन द ग्राउंड फुल स्टॉप, लेट कैपिटल सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कैपिटल सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड कैपिटल पी be a point on the ground, capital C midpoint है और capital P is any point on the ground है, capital P is any point on the ground such that AP बराबर twice of AB, AP is equals to two times of AB, AP बराबर टू टाइम्स ऑफ AB फुल स्टॉप। इफ एंगल BPC इज बीटा, इफ एंगल BPC इज बीटा देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा, tan बीटा का वैल्यू बताइए कितना आता है, मतलब एंगल बीपीसी का टेन आपने बताना है, टेन ऑफ एंगल बीपीसी। ऑप्शंस मैं दे देता हूं, योर ऑप्शंस आर वन अपॉन नाइन, टू अपॉन नाइन, 4/9 और 8/9, ये चार ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। ए बी वर्टिकल टावर है, ए ग्राउंड पर है, सी मिड पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है, एंगल बी पी सी आपको दिया है बीटा डिग्री, मतलब बीटा, तो टेन बीटा आपको बताना है कितना होगा। ये देखिए, ये 2017 का क्वेश्चन है जेई का, तो जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि इसी लेवल के सम आते हैं, आप इससे ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा,
इधर उधर जाओगे तो चार मार्क्स और खोदोगे, बड़े आसानी से मिलते हैं ये चार मार्क्स जेई के। ओके ऋषभ बोधे करेक्ट, प्रणव एंटर नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल दीप सर हैं क्या यहाँ पे? सर सी टावर बी ए का मिड पॉइंट है ना? हाँ सी मिड पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये स्क्रीनशॉट ले लेना फोर फिफ्थ और सिक्स्थ सिचुएशन की, चौथी पांचवी और ये जो छठी सिचुएशन आपको अभी बताई है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं फिर हटा दूंगा ये चौथा पांचवा और छठा सिचुएशन का डाय वो स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ में ओके अश्लेषा, अश्लेषा करेक्ट है, वेरी गुड अश्लेषा। अरे क्या हो गया भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी दिया मैंने, एकदम लेके बैठ गए, जेई लग गया सामने, मैंने जेई बोल दिया तो अटक गए क्या इसलिए? केवल दो आंसर आया, ऋषभ बोधे और अश्लेषा। ओके विवेक रॉन्ग है बेटा, चेक करो आप, मैं हटा रहा हूं ये तीनों डायग्राम है ना। वंश करेक्ट है, विवेक रॉन्ग है, चार बच्चों का आंसर आया, तीन करेक्ट है। ये मिड पॉइंट दिया है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, सी मिड पॉइंट। नहीं तेज प्रताप क्या लिख रहे हो 30 डिग्री? मैं क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिया हूं, 1/9, 2/9, 3/9 सॉरी 4/9 और 8/9, इनमें बताना है विच वन इज करेक्ट। हिमांशु चेक करो रॉन्ग है, अरमान करेक्ट है, वेरी गुड अरमान। तेज करेक्ट है,
चलिए देख लीजिए, अब दिन का नहीं आ रहा है। मयूर क्या हो गया, आंसर नहीं आया तुम्हारा? मयूर है कि नहीं? ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। अरे गजब करते हो भाई। चलो एंगल बीपीसी अपन को जो दिया है वो बीटा दिया था। नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको एक कंडीशन और दिया है कि एपी जो है वो ट्वाइस ऑफ एबी है, एबी का जस्ट डबल है। तो मैं यदि ये एसी का लेंथ एच लेता हूं तो ये लेंथ भी एच हो जाएगा और ये लेंथ फोर एच हो जाएगा, क्योंकि एबी का लेंथ टू एच है तो एपी का लेंथ उसका जस्ट डबल हो जाएगा फोर एच। और साथ में ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, ये मैंने सपोज किया है, तो हमारा जो टेन अल्फा का वैल्यू है वो वन बाई फोर आ जाता है। अवर टेन अल्फा इज वन अपॉन फोर, और टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा होल बड़ा वाला ट्राइंगल, तो वो आता है टू एच अपॉन फोर एच, मतलब वन बाई टू। नाउ टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, तो टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वन अपॉन टू, वन प्लस फोर टेन बीटा अपॉन फोर माइनस टेन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो फोर माइनस टेन बीटा इज इक्वल्स टू टू प्लस एट टेन बीटा, एंड हेंस टेन बीटा का वैल्यू टू बाय नाइन आ जाता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हिमांशु लास्ट आंसर किए थे टू बाय नाइन, करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है टू बाय नाइन, इतना करना था बस आपने क्वेश्चन। देख लीजिए कोई डाउट है तो पूछ लें। सी मिड पॉइंट था तो हमने एच एच दो लेंथ ले लिए, और उसके बाद एपी हमको जो दिया था वो ट्वाइस ऑफ एबी दिया था तो फोर एच हो गया। नोट कर लें, ओके स्क्रीनशॉट लो अभी इसका जल्दी से। मूविंग ऑन टू दुई अवर नेक्स्ट फॉर्मूला। तो मैं साथ साथ दोनों चीजें अब आपकी कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी बताया, साथ में जेई में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताते जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो एकदम वो उस पर बेस था तो आप बिल्कुल जज करके तुरंत मार दिए थे, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा। लेकिन कहीं भी आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि आपके हाथ के बाहर है, आप कर सकते थे क्वेश्चन। चलिए खैर अगली सिचुएशन अपनी सेवेंथ। ये इस तरीके से अपन एक ये सपोज हाउस ले लिया और ये एक सिचुएशन बनती थी क्वेश्चंस की अपनी कि ये जो पूरा टावर अपन ने ले लिया सपोज, तो ये किसी हाउस के टॉप पे कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, वो एंगल अपन 30 डिग्री ले ले रहे हैं, और यदि इसके बॉटम पे एंगल यदि 60 डिग्री का फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये हाउस दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने डायग्राम बनाए थे और इन सारे सरों में जो 30 डिग्री और 60 डिग्री सिचुएशन है इन सभी में जो ये लेंथ यदि x होगी तो ये लेंथ उसकी डबल आती है 2x, यदि ये x है तो ये उसका डबल आएगा। और बिल्कुल सेम एक आपका ये सिचुएशन है कि वो
कोई अपन ने हाउस लिया, ये एंगल फिर से 30 डिग्री है और अब मैं डिफरेंस रख रहा हूँ यहाँ पर 15 डिग्री का, ये 45 डिग्री है। तो अब आप बता सकते हो ए बी सी डी और ई, यदि आपका ए बी का लेंथ मैं एक्स लूँ तो ये लेंथ आपका √3 - 1 एक्स है। नोट कर लीजिए ये दो सिचुएशन बिल्कुल वैसी है, इनको आप डायरेक्टली याद रखें, हाउस के क्वेश्चन आपने किए थे। और इसमें मैं आपको एक बात और ऐड कर रहा हूँ और वो ये है कि हाइट ऑफ द हाउस के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। मतलब यदि आपको इस केस में दो एंगल दे रखे हैं और साथ में हाउस का हाइट दे रखा है, तो इन दो एंगल और हाउस के हाइट के टर्म्स में ये टावर की हाइट का मैं अब आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। मान लो ये कोई एंगल दिया अल्फा, ये एंगल दिया बीटा और ये दिया स्मॉल एच, तो स्मॉल एच अल्फा और बीटा के टर्म्स में ये टावर की जो हाइट है वो अपन निकालेंगे हम यहाँ पर। अगली सिचुएशन, सो ये है वो, फिर से सेम डायग्राम बनाता हूँ। टावर हमने ए बी ले लिया और हाउस हमारा एच हाइट का है, सपोज स्मॉल एच हाइट, और ये जो टावर का टॉप है हाउस के टॉप पे अल्फा एंगल और हाउस के बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बीटा दिया है। तो ए बी की जो हाइट होगी ये एच है, ये एच बी है, तो ए बी की हाइट के लिए फॉर्मूला होता है एच कॉट अल्फा, अल्फा ऊपर वाला है ना, हाँ ये है फॉर्मूला। तो हाइट ऑफ टावर इट इज एच कॉट, डायरेक्ट आप याद रखना तो आपको क्वेश्चन में बड़ी हेल्प देगा ये, कॉट अल्फा माइनस कॉट, ये दो एंगल और हाइट ऑफ द हाउस के टर्म्स में वी गेट दी हाइट ऑफ दी टावर। ए बी का हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है एच कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, अल्फा बीटा आपको दिए होने चाहिए। और एक और मैं सिचुएशन अब आपको बता रहा हूं, ये सब बना लो, ध्यान में रखना ये सब मैंने, दिस इज 9th वन, नाउ अगला आपका 10th, ये सिचुएशन है। ये दो एंगल दिए हैं और ये लेंथ आपको दे रखी है एच, ये लेंथ एच है या एक्स लिया है इन्होंने, और अल्फा और बीटा एंगल दिए हैं, अल्फा और बीटा, ये लेंथ एच है और ये एक्स माना है, ठीक है, ये दो दिया है और फिर आपको एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एच को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है अल्फा बीटा एक्स, एच बराबर एक्स अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, एच बराबर एक्स अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट, ये नोट कर लीजिए। एक लास्ट सिचुएशन अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो पहली तो जो आज तक सिचुएशन है ये ऑलमोस्ट सेम है, बड़ी इजीली लर्न हो जाती है। बाकी ये दो, इस पर्टिकुलर केस में हमने हाइट ऑफ टावर बताया विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ हाउस, और इस केस में हमने हाइट ऑफ पोल बताया जब आपको ये लेंथ दे रखी हो और ये दो एंगल दे रखे हो, तो उसके टर्म्स में आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं। एच के लिए फॉर्मूला एक्स अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा है। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, कई बार कॉट के टर्म्स में आंसर ना देके साइन कॉस में देते हैं, तो आप यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन लिखोगे तो एक्स साइन अल्फा साइन बीटा और नीचे साइन बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा, तो वैसा भी इसको बना के लिख सकते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन कैसे दे रखे हैं।
कई बार होता यह है कि अल्फा और बीटा का आपको वैल्यू ना देके ऐसा बोल देते हैं कि इस एंगल का साइन 1/2 है और इस एंगल का साइन 1/3 है, ऐसा भी दे सकते हैं आपको, साइन कॉस के टर्म्स में भी दे सकते हैं। तो आप ये रिजल्ट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट साइन अल्फा की हल से कॉट अल्फा भी आ जाएगा, साइन बीटा की हल से कॉट बीटा भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एच बराबर एक्स साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, दिख रहा है ना, कटा तो नहीं, हाँ नोट कर लीजिए। और अपनी एक लास्ट सिचुएशन, बिल्कुल सेम डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसी डायग्राम में करेक्शन कर रहा हूं बस। चलिए तो देखिए, इलेवेंथ और लास्ट सिचुएशन है कि मान लो अब आपको ये लेंथ ए दिया है, ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक बी दिया है, और अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री, तो फिर इस सिचुएशन में एच स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर आता है। दिस इज इलेवेंथ एंड लास्ट सिचुएशन, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इनको सभी को वेरीफाई करके देखो, इजीली वेरीफाई कर सकते हो। ये अल्फा दिया, ये बीटा दिया, ये ए दिया, ये बी दिया, ये एच है, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि अल्फा एंड बीटा शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, 30-60 जैसे हमने ले लिया वैसे हो। तो यदि ऐसा रहा तो हमेशा एच स्क्वायर जो है वो ए बी के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो दिस इज अवर लास्ट सिचुएशन। तो कुछ हमने यहाँ पर 10-11 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताए, और भी कुछ मेरे को देखते हैं तो फिर मैं वो आपको अगली क्लास में कवर करूंगा। साथ में हमने 2 क्वेश्चन जेई के कवर किए हैं, और आगे आने वाली क्लासेस में हम कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। ओवरऑल मैंने जेई के 2 क्वेश्चन इसलिए डाले ताकि ओवरऑल आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सके कि आपने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस पे बहुत डेप्थ में जाके भी सवाल बनाए गए हैं, लेकिन आपको केवल ये चूंकि जेई मेंस में आता है चैप्टर, और जेई मेंस के मैंने आपको 2 साल के और ज्यादा पुराने भी नहीं है 16 और 17 के क्वेश्चन बताए, ठीक है, तो इसलिए इसी टाइप का सम आता है और आप इसी टाइप के सम्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आई होप ये कुछ आपको यूजफुल होंगे ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए, इन पर बेस अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब बखैर, शुभ रात्रि, बाय सर, बाय बाय सर, बाय एवरीवन। ये स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नहीं लिया है, मैं हट गया हूँ। ओके चलिए, बाय।